आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का, ये रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। पिनाराई विजयन पर बरसे केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन, बोले लेफ्ट सरकार से ज्यादा काम करती है गाय। पीएम मोदी ने साझा किया अरुणाचल की छात्रा का लेख, पराक्रम दिवस समारोह में शामिल होने का मिला था मौका। आंध्र प्रदेश में टीडीपी की पदयात्रा के दौरान पुलिस से भिड़े पार्टी कार्यकर्ता, धक्का मुक्की का वीडियो आया सामने। अजीत पवार का बड़ा बयान, बोले कांग्रेस महाविकास आघाड़ी का घटक दूर करे पार्टी के भीतर भ्रम की स्थिति। देश में फिर बड़े किसान आंदोलन की तैयारी, 20 मार्च को संसद के बाहर होगी किसान महापंचायत। केंद्र की रिपोर्ट में हरियाणा को झटका, देश का सबसे असुरक्षित राज्य, 36 स्टेट्स में सबसे नीचे महिला अपराध, 27% बढ़े। चंडीगढ़ बॉर्डर पर फिर तनाव, सीएम हाउस जाते सिख जत्थे को पुलिस ने रोका, प्रदर्शनकारियों पर हथियार लूट की एफआईआर। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन की तबियत बिगड़ी, सीने में संक्रमण के बाद रांची के मेदांता में भर्ती। डेरा सच्चा सौदा चीफ की रिहाई पर हरियाणा सरकार को नोटिस, एसजीपीसी ने कहा सामाजिक ताने बाने को खतरा। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे में 7 स्कूली बच्चों की मौत, ट्रक ने बच्चों को ले जा रहे ऑटो को मारी टक्कर, ड्राइवर और 6 बच्चे सवार थे। अमित शाह ने केजरीवाल को लिखा पत्र, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान, पिनाराई विजयन का एक्शन प्लान। अखिल गोगोई को लगा बड़ा झटका, कंधे पर ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्रालय। निवेशकों का मेला, भाजपा नेता संगीत सोम का बड़ा बयान, बोले पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान बनाने की तैयारी, 18-12 फीट ऊंची लक्ष्मण प्रतिमा का अनावरण, सीएम योगी बोले दुनिया देखेगी विकास की नई कहानी। प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान, बोले अडानी भारत के व्यापारी हैं इसलिए कांग्रेस विरोध कर रही है।
इटावा सैफई स्पोर्ट्स कॉलेज के छात्र बैठे धरने पर, डेट समेत अन्य समस्याओं से जूझ रहे सैकड़ों छात्र। मुजफ्फरनगर में भाकियों की महापंचायत जीआईसी मैदान में चल रहे धरने में जुटेंगे किसान, यातायात पुलिस ने किया रूट डायवर्ट। सरकारी योजनाओं पर बोले राज्य मंत्री धर्मपाल सिंह, कहा सबको मिल रहा योजनाओं का लाभ। वाराणसी पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, संकट मोचन मंदिर में किए दर्शन पूजन, पूरा दरबार जय सियाराम के जय घोष से गूंज उठा। ट्रक में फंसकर 500 मीटर तक घिसटती रही कार, आगरा की सड़क पर निकलती रही चिंगारी। सहारनपुर हाईवे पर स्टंटबाजी, सूट बूट में स्कूल फेयरवेल में जा रहे थे, हूटर के साथ किया वीडियो शूट। गोरखपुर में तिरंगे से पोछाई रिक्शा, तुम हिंदुस्तानी हो के सवाल पर हंसकर हां बोला, फिर शीशा साफ करने लगा। बाराती को बंदूक की बट से पीट पीट कर हत्या, दूल्हा दुल्हन के साथ खाना खाने पर हुआ झगड़ा। मुठभेड़ में दो लुटेरे घायल, मथुरा के अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़, तीन बदमाश किए गए गिरफ्तार। अमरोहा में छेड़छाड़ करने के दोषी को 4 साल सजा, 15,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। गोरखपुर नगर निगम ऑफिस में कर्मचारी की अफसरों ने की पिटाई, कर्मचारी बोला सीसीटीवी में सब कुछ है कैद। मेरठ में बाइक में कार टच होने से विवाद, सरधना दो पक्षों में हुआ झगड़ा, माहौल बिगड़ने का प्रयास। सड़क पर उतरे गाजीपुर पुलिस कप्तान, पैदल गश्त के दौरान आमजन से लिया शांति सुरक्षा का फीडबैक। बागपत में शादी में दो पक्षों में मारपीट, डीजे पर गाना बजाने को लेकर हुआ बवाल, एक दूसरे पर लाठी डंडे और बेल्ट चलाए। हर्ष फायरिंग में दूल्हे के चाची की मौत, बगैर रस्मों के विदा हुई लड़की, शव लेकर फतेहपुर भाग निकले परिजन। मथुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर की 5,59,00,000 की संपत्ति की कुर्क, आर्थिक धोखाधड़ी के दर्ज है मुकदमे। शराब देने से मना करने पर दूल्हे पर फायरिंग, बचाने पहुंचे भाई के हाथ में लगी गोली, चल रही थी दावत, कल जानी है बारात। गाजियाबाद में 91% नाबालिग पर ड्राइव करने पर एफआईआर, स्कूटी बाइक चलाकर स्कूल गए थे, 91 वाहन सीज किए गए। कानपुर देहात महोत्सव में मना शौर्य दिवस, नन्हे मुन्ने बच्चों ने मचाया धमाल, देशभक्ति के गीत पर झूमते नजर आए एसपी। अमेठी एसपी ने चलाई तबादला एक्सप्रेस, 6 से अधिक थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में किया बदलाव। सोशल मीडिया की हर पोस्ट पर पुलिस की नजर, जौनपुर में 10 पुलिसकर्मियों को मिली जिम्मेदारी।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट, नेपाल व पड़ोसी राज्यों की सीमा पर बढ़ी पेट्रोलिंग। चलती कार के बोनट पर बैठकर लहराई पिस्टल, मुरादाबाद में मेरी पिस्टल से महंगा तेरा लहंगा लाऊंगा गाने पर बनाई रील। आगरा में अपहरण के बाद छात्र का मर्डर, पीले रंग की तिरपाल में लपेट कर जलाया, 10 लाख की फिरौती मांगी थी। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का गला घोटा, झांसी में पहले पिलाई थी शराब, बोली मुझे रोज पीटता था इसलिए मार डाला। मेरठ में नाबालिग के दोषी को उम्र कैद, साल 2015 में 3 साल की मासूम से किया था दुष्कर्म। उत्तराखंड में नकल विरोधी अध्यादेश को सीएम धामी ने दी अनुमति, आजीवन कैद संग देना होगा 10 करोड़ जुर्माना। उत्तराखंड में लाठीचार्ज के खिलाफ राहुल गांधी मुखर, कहा युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहा भ्रष्टाचार। नकल माफिया ने उत्तराखंड के लाखों युवाओं से किया खिलवाड़, 1.5 साल से 5 परीक्षा रद्द। यूके पीएससी पेपर लीक से जुड़े 56 उम्मीदवारों को ब्लैकलिस्ट का नोटिस, 2 कर्मचारी निलंबित। पुलिस कार्रवाई के विरोध में उत्तराखंड बंद, देहरादून व ऋषिकेश में धारा 144 लागू, आयोग के परीक्षा नियंत्रण को हटाया। जोशीमठ के मनोहर बाग और सिंहधार में बढ़ रहा दरारों का दायरा, जेपी कॉलोनी में मटमैले पानी का रिसाव स्थिर। पेपर लीक प्रकरण में अफसरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू, आयोग सार्वजनिक करेगा परीक्षा में धांधली करने वालों के नाम। एजेई लिखित भर्ती परीक्षा को लेकर आयोग ने उठाया बड़ा कदम, धांधली से पास अभ्यर्थियों का परीक्षा फल होगा निरस्त। उत्तराखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आंदोलन को बताया विपक्ष की साजिश, युवाओं से धैर्य बनाए रखने की अपील। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन, अंदर अफसरों से वार्ता, बाहर शुरू हुई तोड़फोड़। उत्तराखंड प्रदर्शन के दौरान कई युवा हुए बेहोश, 300 से ज्यादा गिरफ्तार, सीएम ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश। उत्तराखंड के रुड़की में नोकझोंक के बाद हुआ बवाल, युवतियों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो वायरल। उत्तराखंड में देवी स्थान तो के घरों में भी आ रही दरारें, तीव्रता और गहराई नापने को लगाए कैक्रोमीटर। उत्तराखंड में फर्जी डॉक्टरों के पंजीकरण मामले में 3 कर्मचारी निलंबित, तो दोबारा होगा दस्तावेजों का सत्यापन। उत्तराखंड में बहुचर्चित मुस्लिम फंड प्रकरण में हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कस्टडी रिमांड पर लिया संचालन। चीनी निगरानी कैमरे हटाएगा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ब्रिटेन के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी जासूसी से बचने के लिए फैसला लिया।
दक्षिण अफ्रीका में बिजली संकट से आपदा की स्थिति, राष्ट्रपति रामाफोसा के पद छोड़ने से किया इनकार। आईएसआईएस की धमकी, भारत के साथ चीन और ईरानी दूतावास पर करेंगे हमले, यूएन रिपोर्ट में हुआ खुलासा। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को राहत, रुके हुए बेलआउट पैकेज को लेकर आईएमएफ से हुई डील। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट बहाल, 2 साल से लगी थी रोक। अमेरिका ने कराया था नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट, नाटो देशों के लिए खतरा भी, जून में बनी रूस से आने वाली पाइपलाइन। यूरोप की सबसे बड़ी संसद में पहुंचे जेलेंस्की, भावुक होकर बोले यूक्रेन की जीत हो, सांसदों ने 2 बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया। उत्तर कोरिया की सबसे बड़ी मिसाइल परेड, तानाशाह किम जोंग उनकी मौजूदगी में आईसीबीएम का प्रदर्शन। मॉस्को में पुतिन से मिले डोभाल, बोले लश्कर जैस जैसे आतंकियों से मिलकर निपटे, भारत रूस की रणनीति साझेदारी पर भी चर्चा। चीन ने 5 महाद्वीप में 12 देशों की जासूसी, अमेरिका का दावा दुनिया भर के सैनिक ठिकानों पर स्पाई बैलून भेजे। नेटफ्लिक्स का पासवर्ड शेयर करने का जर लगेगा चार्ज, भारत में तैयारी पूरी, कंपनी ने 4 देशों में शेयरिंग फीचर को रोल आउट किया। गूगल को चैटबॉट वर्ड बनाना पड़ा महंगा, प्रमोशनल वीडियो के सवाल का दिया गलत जवाब, 8,250 अरब रुपए का नुकसान। याहू में छटनी की तैयारी, 20% से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी कंपनी। दिसंबर तिमाही में एलआईसी का शुद्ध मुनाफा 8,334 करोड़ रुपए रहा, नेट प्रीमियम इनकम 14.5% बढ़ा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया झटका, लोन के ब्याज में हुई बढ़ोतरी, 6वीं बार रिजर्व बैंक ने बढ़ाया था रेपो रेट। ओला एथर, टीवीएस व विडा पर जांच, योजना का फायदा पाने के लिए कीमतें कम रख रही थी कंपनियां। अडानी ने अमेरिका की बड़ी ला फर्म वॉचटेल को हायर किया, इंटरप्राइजेस का शेयर 2% टूटा। मोदी इन्वेस्टर समिट का किया ऑर्गेनाइजेशन, योगी राजनाथ भी मौजूद, मुकेश अंबानी भी पहुंचे। निवेशकों को रास आ रहा म्यूचुअल फंड, एसआईपी निवेश ने बनाया रिकॉर्ड, स्मॉल कैंप फंड्स पहली पसंद। हवाई यात्रा की बढ़ रही मांग, 2 साल में घरेलू एयरलाइंस 1,700 नए एयरक्राफ्ट का देगी ऑर्डर। रविंद्र जडेजा की 7 महीने बाद शानदार वापसी, टेस्ट करियर में 11वीं बार लिया 5 विकेट। दक्षिण अफ्रीका की टी20 लीग में सनराइजर्स ईस्टर्न कैंप की फाइनल में एंट्री, प्रिटोरिया कैपिटल्स के साथ होगा खिताबी मुकाबला।
दो कैच छूटने पर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज वार्क ने विराट कोहली को दी नसीहत, बोले और अच्छा कर सकते थे। नागपुर टेस्ट में नहीं चला केएल राहुल का बल्ला, पारी की शुरुआत से ही असहज नजर आ रहे थे राहुल। भारत के खिलाफ टिप्पणी पर मियादाद ने दी सफाई, बोले दुनिया भर में पड़ोसी आपस में खेलते हैं। जडेजा पर बॉल टेम्परिंग का आरोप बीसीसीआई ने खारिज किया, उंगली पर मरहम लगाया तो ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने सवाल उठाया। अश्विन टेस्ट में सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले भारतीय, 3000 रन भी बनाए, ऐसा करने वाले इकलौते एशियाई खिलाड़ी। मयंक अग्रवाल ने खेली 249 रन की पारी, रणजी सेमीफाइनल में कर्नाटक को 400 पार पहुंचाया, बंगाल ने एमपी को बैकफुट पर धकेला। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के लिए धर्मशाला तैयार, ऑस्ट्रेलियाई दूतावास की टीम ने स्टेडियम का दौरा किया, 20 के बाद मॉक ड्रिल। महिला टी20 वर्ल्ड कप का आगाज, आज से भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ। शाहरुख के हमशक्ल को देखने के लिए उमड़ी भीड़, यूजर्स बोले डुप्लीकेट का ये हाल है तो असली एसआरके को देखकर क्या हाल होगा। मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाए नजर आए सिद्धार्थ और कियारा, 12 फरवरी को मुंबई में होगा ग्रैंड रिसेप्शन। सलमान खान को पसंद आया शहजादा में कैरेक्टर ढीला का नया वर्जन की तारीफ, सोशल मीडिया पर शेयर किया गाने का वीडियो। विवेक अग्निहोत्री ने प्रकाश राज पर कसा तंज, बोले एक छोटे से फिल्म ने अर्बन नक्सल की रातों की नींद उड़ा दी। ग्रैमी और ऑस्कर विजेता म्यूजिक कंपोजर बट का निधन, 94 की उम्र मिली अंतिम सांस। सहनाज के चैट शो में पहुंचे शाहिद कपूर, सहनाज के शो में जल्द ही सहनाज के शो में नजर आने वाले हैं शाहिद कपूर। कार्तिक आर्यन के लिए फैंस की दीवानगी, शहजादा के प्रमोशन के दौरान लोगों ने किया पीछा। प्रकाश राज का विवेक अग्निहोत्री पर कसा तंज, कहा कश्मीर फाइल्स बकवास फिल्म है, इंटरनेशनल जूरी तक ने उस पर थूका। श्रीदेवी के जीवन पर लिखी गई बायोपिक, बोनी कपूर करेंगे बुक लॉन्च, श्रीदेवी द लेजेंड है किताब का नाम। लखनऊ का नाम बदलने पर फूटा उर्फी जावेद का गुस्सा, बोली मैं एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में रहना चाहती हूं, ना कि हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र में। अभी के लिए प्राइम शतक में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।